पहले अपना देश तब हम सब आओ मिलकर देश को विश्व गुरु बनाएं, देश की शक्तिशाली बनाएं, देश अपना है सुंदर बनाएं, नवनिर्माण भारत बनाएं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें उत्तर प्रदेश के किसानों की हालात देखने गांव-गांव जाकर। आज सुबह टाइम टीम मेरी जो भी पिछले एक सप्ताह में मौसम ख़राब था, खेती बाड़ी का हालात क्या है, इसे जानने के लिए निकल पड़ी है उत्तर प्रदेश अयोध्या के गांव में, जहां पर पिछले एक हफ्ता में उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में तूफान ओला बारिश से कितने किसानों की लहराते फसल गेहूं जो है नष्ट हो चुके हैं, या गिरने से ओला से या किसानों की जो है फसल नष्ट हो गई है कितने। दरअसल यह फुटेज आप देख रहे हैं, अयोध्या परोमा गांव ओम प्रकाश किसान हैं जो कि 3 बीघा खेती कर रखे हैं। इसमें गेहूं का फसल अच्छी खासी रही, लेकिन गेहूं की खेती गिरने से ओला बारिश तूफान आने से सब कुछ नष्ट हो गया है, गेहूं की फसल नुकसान किया है, प्राकृतिक त्रस्ति कहा जा सकता है। इसमें सुबह टाइम्स टीम गांव-गांव जाकर या लोगों से सर्वेक्षण कर रही है कि कितने फसल नष्ट हो चुके हैं और क्या हालात है हमारे किसान भाइयों का, जिसे भारत सरकार और सभी लोग अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाता की क्या दुख दर्द है, इसे जानने के लिए आज सुबह टाइम्स गांव-गांव निकल पड़ी है उनकी हालात जानने के लिए। खास रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं परोमे गांव से ओम प्रकाश जी के द्वारा, आप खास रिपोर्टिंग जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों का आज दिन, जिस तरह से मैं आपको कह दूं कि यह खास रिपोर्टिंग के साथ निकला हूं और गांव-गांव जा रहा हूं, जिस तरह से किसानों की हालात है इसे जानने के लिए जी। तो आज हमारा यही रिसर्च है कि किसान भाई कितना खुश हैं और कितना जो है उनका फसल सही है, कितना ख़राब है। तो आज हमारे साथ मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि जगह जगह फसल नष्ट हुआ है, तो आपका भी कुछ फसल नष्ट हुआ खेत में? हाँ, काफ़ी साहब, हमारे तो एकदम बचे ही नहीं साहब। अच्छा अच्छा, तो ये आपका यही खेत है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये हालात ऐसे हैं कि सारे जो है इसी 3-4 दिन के बारिश में ओला में तो इनका सारा फसल जो है नष्ट हो चुका है। हाँ। और एक जला जला सा लग रहा है, इसमें हाँ, कुछ भी जो है पैदावार नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं कि जल गया है, बिल्कुल जल गया है, इसमें कुछ भी जो है फसल नहीं होगा, पहिया बन चुका है। तो बहुत दुख हो रहा है सर। कितना लगभग लगाए थे आप खेत में? 3 बीघा? 3 बीघा में शायद लगा है कम से कम 5,000 रुपया खर्चा किया है। 1 बीघा में 5,000? 5,000। और अभी भी खाद पानी दे ही रहे हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं किसान भाई इसलिए थोड़ा से जो है खेती बाड़ी करने के लिए जो है अलग रहते हैं, क्योंकि उनका जब फसल नष्ट हो जाता है तो उनके दिल पे बहुत बड़ा घाव पहुँचता है, जब वो 5,000-10,000 खर्च कर देते हैं और इस प्रांत में इनका जो है कुछ भी नहीं निकलता। अब इसमें क्या निकलेगा आप देख सकते हैं। नहीं, तो अच्छा, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि सरकार की हालत देखें? अब साहब यह मांग रहे हैं कि भाई जो कुछ है हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, बस ये 3 बीघा खेत है, इसमें सारा अनाज आपका नष्ट हो चुका है। इसी में हम परिवार किसी तरह गुजारा कर रहे थे, आपकी यहाँ बादल बोनी में सब खत्म हो गया, तो हालात बड़ा नाजुक है। हाँ, अब तो खरीदना पड़ेगा साहब, जीने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।